खबर शामिल करते हैं साहिवाल से, जहां गुंडा गर्द नासर की मेहनत कश खोखे वाले से खुलेआम बदमाशी। मुतासरा शख्स ने कहा कि MOR के अमला ने मेरे साथ इंसाफ किया, मगर पुलिस ने बिला वजह मुझे हवालात में बंद कर दिया। मेहनत कश मोहम्मद हुसैन का कहना था कि 2016 में मैंने मोहम्मद सलीम से खोखा और दीगर सामान 3 लाख के एवज खरीदा था, जो कि बाद में इंतकाल कर गया। खोखा मेट्रोपॉलिटन तह बाजारी के हदूद में आता है, इसलिए मैंने मेट्रोपॉलिटन के वाजबात भी अदा किए और गुज़िश्ता दिनों मेट्रोपॉलिटन के MOR के काशिफ गुज्जर के अहकाम पर इनक्रोचमेंट टीम के खोखे का कब्जा कानूनी तौर पर मुझे दिलवा दिया, जिसका मेरे पास सबूत भी मौजूद है। कागज दिखाए जाके जी, उन्होंने आए आ मैनू कब्जा लैके दे के बैठा के सर जी गैबल जी साहब। हाँ जी सर जी, मैं थाने दरखास्त दी थी जी, लेकिन उन्होंने थाने वाले ना मिलने भुगत करके जी मैनू हवाला जी राती बंद करा दिता जी साहब जी। बदमाशे ने मेरा नुकसान 70-80 हज़ार का किया, कंडे वटे ला गया, फ्रूट खराब किया, जाया किया, मेरे फटे मूधे मारते, तोड़ते भन दिते जी, जो लभ जी।